श्री मोहन मुखिया। मोहन मुखिया नहीं मोहन दीन मुखिया जन और काहे मुखिया नहीं का मुखिया का अब मुखिया का डायरी ल टीला जन मुखिया चित्त का डायरी का भी ठीक है निषाद के हो पूरा सजाए हुए हैं देखिए पूरा टीला और प्याज नींबू वगैरह लगा टमाटर एक ही क्यों दिख रहा है महंगा हो गया है। हाँ महंगा हो गया था अभी और इस समय लास्ट समय एक ही बचा है। अच्छा हमको लगा महंगाई का दौर इतना है कि अब उतना में अर्जेंट। नमस्कार कुशीनगर समाचार और संवाददाता लाइव की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ पूरा जो नवरात्रि का सीरीज चल रहा है वो हम पूरे जो अपने ज़िला और आसपास के ज़िले में जो माता रानी का दरबार है वहाँ पर हम आपको लेकर जा रहे हैं। इस सीरीज़ में आज हम पहुँचे हैं मदनपुर बगहा ज़िले में, बिहार के बगहा ज़िले में स्थित है मदनपुर माता का मंदिर जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल किया हुआ है न सिर्फ यहाँ के आसपास बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारत से यहाँ पर लोग आते हैं माता जी से मुरादें मांगते हैं और वो पूरा होता है तो यहाँ पर बलि प्रथा भी चालू है। यहाँ पर बकरे का बलि भी चढ़ाया जाता है तो हम पूरा जो स्टोरी है उसको हम आपको बताएंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हमारे साथ इसमें जुड़े होंगे जिनको ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पता होगा लेकिन हम और भी लोगों से इस पूरे कहानी का थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, इसकी मान्यता क्या है, यहाँ के लोगों के लिए इस मंदिर का क्या महत्व है। तो चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपना पूजा अर्चना करेंगे तो पूजा अर्चना चलिए करते हैं आपके साथ। यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले दर्शन करने के लिए प्रसाद को चढ़ाना एक अनिवार्य माना जाता है क्योंकि काफ़ी दूर अब आते हैं और प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं तो वो अधूरा से रह जाता है। तो हम उस सिलसिले में सबसे पहले माता जी से और इनके जो बेटे हैं इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक प्रसाद बना दीजिए हमारे लिए। श्री मोहन मुखिया। मोहन मुखिया नहीं मोहन दीन मुखिया जन और काहे मुखिया नहीं का मुखिया का अब मुखिया का डायरी ल टीला जन मुखिया चित्त का डायरी का भी ठीक है निषाद के हो गई चित्त अरे माने मुखिया टाइटल नहीं ठीक लाया लगा मोहन दीन। अच्छा अच्छा तो कितना साल से माता जी लगावे नहीं आप स्टॉल ए बाबू हमने कितना पे लगाई ले दुकान ज्यादा दिन साल से। अच्छा यहाँ का मंदिर वगैरह सब था पहले तो दूसरे ढंग से होगा अब कुछ सुधार हुआ होगा जिसको पिंडी माटी के रोड। अच्छा तब ये थी ई बना थी पत्थर तब जाके चांदी के पिंडी लगा। अच्छा चांदी के पिंडी हो के लगवाइले रह पता बा उत्तर प्रदेश में लगवाए थे। चूँकि हम यहाँ आए हुए हैं क्योंकि इतनी दूर से 50 किलोमीटर दूर से और माता रानी के मंदिर में प्रांगण में हम आ चुके हैं और यहाँ पर पूजा का जो विधि है उसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हमारे साथ यहाँ पुजारी भी एक हैं इनसे हम सलाह लेते हैं कि क्या करना होगा पूजा के लिए। आप हमारे पूजा करने में हेल्प कीजिए ज़रा। एकदम हेल्प करेंगे चलिए चलिए आइए चलिए अच्छा ओम देवे प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसीदा मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्रि अम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वे च सर्वशक्ति समन्विते भवस्त्राहि नौ देवी दुर्गा देवी नमस्तुते सर्वापाधाव निर्मुक्तो धनधान्य सुधानितः मनुष्यो मत्प्रसादेण भविष्यति न संशयः जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा श्रद्धा नमस्तुते जय त्वम देवी चामुंडे जय भूतारती हारणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते यामाया मदकैटप परमथनिया महिषे सोलनिया धूम्राक्षण चंडमुण मथनिया रक्तबिजासनी शक्ति सुमनि सुम दलनिया सिद्धि लक्ष्मी परा सा दुर्गा नौपाष्टमी जन्मनी जन्मनी। ओम वनस्पति रसद्यम ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगंध्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम। हमारे साथ पुजारी जी हैं इनसे थोड़ा सा हम जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में और जो मान्यता है उसके बारे में। पंडित जी आपका नाम क्या है? मनोज तिवारी क्या बेहतरीन नाम आपका है। आप मंदिर में कब से हैं? 25-26 साल हो गए। 26 साल से हैं
मतलब आप बहुत ही युवा अवस्था में होंगे तभी से आप माता जी का सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो पहले में और अब में क्या परिवर्तन दिख रहा है? बहुत परिवर्तन दिख रहा है। ये परिवर्तन दिख रहा है कि मानिए कि जैसे आप भक्त हैं, माँ के दरबार में आए हैं, आपकी मनोकामना जो है आप अपने मनोकामना को माँ के पास रख रहे हैं, तो यह जरूर आपको आपका मनोकामना को पूर्ण करती है। अच्छा अच्छा जी, यह जगत की जननी है ना, माँ है, सब कुछ जानती है। पहले के पहले के समय में थोड़ा सा ये सब बैकवर्ड एरिया माना जाता था, तो पहले जो दर्शालु आते थे उनमें और आज में संख्या में क्या अंतर? नहीं, बहुत बहुत अंतर है। आज की संख्या बहुत ज्यादा है, चौगुना हो गया है। चौगुना हो गया जी। तो सिर्फ रीजन यही है कि पहले से अब पुलिसिंग व्यवस्था या कानून व्यवस्था सही हो गया है? देखिए, बहुत समय पहले यहाँ इससे भी घना जंगल था, ठीक है। इसके अड़ोस पड़ोस में गांव था, तो लड़कियों का झुंड, औरतों का झुंड, मतलब आकर के साग खोटने के लिए 10-5 की संख्या में लोग खोट करके ले जाते थे। एक समय की बात है कि दो लड़की पीछे रह गई, यानी कि वो लोग मैंने साथ में नहीं आई, तो माँ क्या की थी कि अपने बाल को बिखेर करके रास्ते में बैठे थे। अच्छा, तो जब दोनों लड़की माँ के पास आई तो माँ बोली कि देखो, तुम लोग कहीं साग के लिए मत जाओ, हमारे सिर में जू हो गए हैं, इसको निकालो तुम लोग। दोनों लड़की जू निकालने लगी, निकालते निकालते शाम हो गया, तो दोनों लड़की बोली जे अब हम लोग घर जाएंगे तो डांट सुनना पड़ेगा, साग भी नहीं हुआ, घर जाएंगे तो लोग कहेंगे ये लोग घूमने के लिए गए थे। माँ बोली तुम लोग घबराओ मत। दोनों लड़की को थोड़ा देर के बाद माँ बोली कि देखो वहाँ साग रखा है, जिसको जितना इच्छा करे उतना बांध लो और मैं तुम लोग के घर के पास तक छोड़ देती हूँ। अच्छा, दोनों लड़की अपने इच्छा के अनुसार साग को बांधे और आगे आगे माँ, पीछे पीछे दोनों बच्चे। जब गाँव दिखाई देने लगा तो माँ बोली तुम लोग का गांव दिखाई दे रहा है, कोई डर नहीं है, तुम लोग चले जाओ। दोनों लड़की बोली कि ठीक। तो जब 8-10 एक लड़की दोनों आगे बढ़ी तो माँ बोली कि अरे तुम लोग को कुछ मांगना है तो मांग लो। तो दोनों लड़की हंसते हंसते बोली कि हम लोग का एक एक पुत्र चाहिए। अच्छा। हालांकि शादी नहीं हुआ था, अभी वो लोग कुंवारी थी दोनों। माँ बोली एव मस्त, ऐसा ही होगा। दोनों लड़की अपने घर गई। जब 2-3 महीना बीता तो मतलब शरीर भारी होने लगा। घर का लोग बोले कि भाई ये लोग गलत लड़की है। देखते देखते समय पूरा हो गया, दोनों को शरीर से एक एक लड़का पैदा हुए। एक एक लड़का पैदा हुए तो अपने घर को, इज्जत को बचाने के लिए दोनों घर का व्यक्ति यानी कि मालिक जंगल में ला करके दोनों बच्चों को बिक दिए, छोड़ दिए। तो माँ, हाँ, तो माँ घूमते घूमते दोनों बच्चे को पा गई। थोड़ा हम लोग किनारे आ जाते हैं, हाँ, ताकि और श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। बताइए, तो जब माँ पा गई तो दोनों को ले जा करके पोसने पालने लगी। एक का नाम रहस्य गुरु बड़े वाला का, और दूसरे अच्छा, का नाम तो भीमा गुरु। हाँ, बता रहे बता रहे। ओहो, देखिए दोनों बड़ा रासु गुरु को आप लोग कितना ज्यादा पूजते होंगे और थामे भी जाते होंगे, तो उनको उनका पूजा जरूर करते होंगे, लेकिन ये कहानी आपको नहीं पता होगी। जो यहाँ पे एक कंफ्यूजन की स्थिति आ गई कि ये रासु गुरु जो थे उनके सिर मस्तक से हाथ निकला हुआ था, जो सब लोग देखते भी हैं, तो वो इस मंदिर में निकला, थामे में निकला। हम बता रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पिंड द्वारा ही दर्शाया गया, आप मूर्ति यहाँ नहीं पाई। अथावे में वही मूर्ति द्वारा दर्शाया गया है कि लोग उसको कहते हैं कि यहाँ की सत्य है, लेकिन सत्य बात यही का है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पिंडे द्वारा दर्शा दिया गया क्योंकि यह सिद्ध पीठ है और उसको शक्ति पीठ हम मानते हैं, सिद्ध पीठ का ज्यादा। हाँ, साइंस आज बहुत तरक्की कर लिया, लेकिन एक जो परिप्रेक्ष्य है, कुछ लोग उसको साइकोलॉजिकल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मानसिक विसंगतियाँ हैं, लेकिन कुछ जो है सिचुएशन देख के ऐसा लगता है कि क्या वाकई में इस तरह की शक्तियां हैं जो लोगों को इस तरह का प्रेरित कर देती हैं या उनका मनोभाव बिगाड़ देती हैं। पंडित जी, हमको ये बताइए, अभी पीछे कुछ लोग खेल रहे हैं, वो अपना धुन जो है उनका अलग ही सवार है, दुनिया में क्या हो रहा है उनको नहीं पता है, कुछ देर के लिए वो उसी में गुम है, तो आप कितने साल से ये देख रहे हैं? ये तो हम 18-19 साल से देख रहे हैं जी। तो देखिए, इसको हम
सत्य नहीं मानते हैं और फिर दूसरे आधार पर इसको मानना भी पड़ता है। वही देखने पे सिचुएशन जो जानते हैं क्यों विश्वास है कि हम माँ के दरबार में खेलेंगे रोएंगे कूदेंगे फानेंगे तो हमारा मतलब कष्ट दूर हो जाएगा। एक थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे जो शॉट चल रहा है सीन जो चल रहा है उसके ऊपर जूम करें क्योंकि वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ हो सकता है कि वो लोग बिगड़ जाएँ, तो ऐसे में उनकी धार्मिक मान्यता को जो है सम्मान देते हुए हम वहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए पंडित जी का कहना है कि उसमें सच्चाई है या नहीं है, लेकिन ये आस्था जो है कि हम आते हैं माता के दरबार में वहाँ पे अपनी सारी बातें भूल के वहाँ माता के दरबार में सर पटक लेते हैं तो उनको मानसिक शांति मिलती है। अब यही कहना चाहते हैं, लोग यही अनुभव कर रहे हैं। यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ठीक होके भी जाते होंगे। अच्छा, जो यहाँ पे पुजारी बाबा थे मनोज तिवारी बाबा, इन्होंने काफ़ी अच्छे से दर्शन कराया और माता जी के बारे में जो कहानी बताया वो काफ़ी ज़्यादा सटीक है, जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हो। आप रसू भगत का कहानी सुने कैसे वो पैदा हुए थे, इसके बारे में आपको नॉलेज कम होगा। तो तिवारी बाबा, कितना आपका दक्षिणा, हिंदू धर्म में मान्यता होती है कि दक्षिणा देना चाहिए, कितना दें आप? 10-11 जो इच्छा हो दे दीजिए। आजकल इतना महंगाई में 10-11 से काम चल जाएगा? चलिए चल जाए। चलिए तब हम 10-11 रुपये आपको देते हैं, हो जाएगा ना? अच्छा, ये कलावा ही बांध रहे हैं? बांधेंगे, एकदम बिल्कुल बांधेंगे। अब चूंकि मंदिर में आया है तो हर एक डिटेल आपको दिखाना, आपको वहीं से बैठे बैठे दर्शन कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो हिस्सा है वो मंदिर का बहुत खास इम्पोर्टेंस वाला हिस्सा है, क्योंकि अभी तो ये खाली दिख रहा है लेकिन अगर दसवीं के बाद आते हैं यानी कि नवरात्रि जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पे प्रथा है बलि देने की। यहाँ पर जो भी मुरादें मांगी जाती हैं वो पूरा हो जाता है, तो कुछ लोग आकर यहाँ बकरे का बलि चढ़ाते हैं, तो यही वो जगह है जहाँ पर बलि चढ़ता है। मंदिर परिसर के बाहर कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। हालांकि युवाओं को देखते होंगे कि बहुत सारी चीज़ों में वो मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में इतने रम चुके हैं कि धार्मिक स्थलों पर नहीं आते, लेकिन देखिए इतने युवा जो है यहाँ पर हैं। यहाँ से हम बात करते हैं, आप कहाँ से आए हैं सर? कुशीनगर से। कुशीनगर, क्या नाम है आपका? अंबुज कुमार सिंह। तो मंदिर आने के पीछे क्या उद्देश्य रहा? यहाँ लोगों की आस्था बहुत पुराने समय से ही, बहुत पहले से ही है, जो कि मतलब ऐसा माना जाता है कि जो भी मन्नत होती है मांगते हैं लोग पूरा हो जाता है। वही हम लोग भी सोचे कि भाई कम से कम देश हित के लिए कल्याण हो। अच्छा, तो ये आप लोग सब लोग एक ही साथ हैं कुशीनगर? हाँ, से ही सब लोग। कुशीनगर से। अच्छा, कहाँ से कुशीनगर में? कहाँ से हैं? कुशीनगर में कसिया से। अलग अलग जगह से सब लोग होंगे आप? हाँ, लोग ये जैसे कुकुंदू से हैं भैया। हाँ, भैया कैसे आए आप लोग? हम देवरिया से आए हैं। देवरिया से आप आए हैं, मतलब यूनाइट होके? अब किस माध्यम से? गाड़ी से? अपने गाड़ी से? अपने गाड़ी से आए हैं। तो आने में कोई आलस उलस नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। एक उद्देश्य था कि जाना है माता जी के। कितने बजे निकल लिए थे घर से? घर से हम लोग सुबह में 10 बजे से निकले थे। अच्छा, कितने देर का वक्त लगा था यहाँ पे आने में? अरे हम लोग कसिया रुके, कसिया से हम लोग यूनिट बनाए, उसके बाद हम लोग यहाँ आए। कसिया से आने में यहाँ से लगभग 1.5-2 घंटा लग गया। अरे भैया, आपसे जानेंगे, आपका नाम क्या है? अविनाश सिंह। अविनाश भैया, यहाँ दर्शन हो गया मंदिर का जी? अच्छे से दर्शन हो गया? बिल्कुल, शारदीय नवरात्र का एक पर्व है। हाँ। और एक आस्था थी मन में, और कोरोना का माहौल भी चल रहा है, हम लोग एक इससे रिलेटेड लेके आए थे कि कुछ माता जी से प्रार्थना किया जाए, कुछ इससे निवृत्त हुआ जाए जी। अच्छा, तो फिर अब क्या प्लानिंग है मंदिर दर्शन होने के बाद से? मंदिर दर्शन होने के बाद हम लोग वाल्मीकि नगर का प्लान कर रहे थे, वहाँ जाना है जी। यहाँ पे यहाँ भी कुछ ऐसा जगह है मंदिर के बाद घूमने उमने वाला कुछ आपके नज़र में? हमारे नज़र में वही वाल्मीकि नगर है, वहाँ हम लोग। वाल्मीकि नगर यहाँ से पास में ही है? हाँ, 34 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा आपका। क्या खासियत है वहाँ पे? वहाँ वाल्मीकि आश्रम है, वाल्मीकि जी का आश्रम था, वहाँ उन्होंने अपना सारा बना रखा था। तो आज पूरा आप लोग दिन का डिसाइड कर लिए कि आज विजिट करना है? मान्यता तो ये है कि मतलब लोग मानते हैं ऐसा कि सीता जी वहीं रही थी, वाल्मीकि नगर जो बोला जाता है उसी आश्रम में, उसी को दर्शन की अभिलाषा लेके हम लोग चले थे। बिल्कुल, आप देखिए बहुत सारे लोग जो है प्लानिंग करते हैं गोवा जाने का, जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं वो बात की बात है, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार माइंडसेट अगर बना लिए नवरात्रि के समय जो चल रहा है, 9 दिन में आप प्लानिंग बना लीजिए किसी भी दर्शन, किसी भी पिंडी दर्शन में, चाहे तो यहाँ पर चाहे था में जाकर दर्शन कीजिए, मन को बहुत संतुष्टि मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने लिए दूसरे जगह जाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं युवा जो आए हुए हैं वो आप समाज के लोगों के लिए यहाँ पर आके प्रार्थना कर रहे हैं कोरोना को दूर भगाने के लिए, या फिर जो भी विसंगतियाँ समाज में आ गई हैं उनको दूर करने के लिए।
देखिए भैया, कोरोना जो है सबका स्थिति थोड़ा सा बिगाड़ा हुआ था। ये सभी लोग जो है दूर दूर अपना अपना सब काम कर रहे थे। थोड़ा सा इन लोग से हम सॉरी बोलते हुए इन लोग को एक जगह कलेक्ट किए हैं ताकि इनसे जान सके कि मौजूदा स्थिति में ये कैसे अपना सब गुजारा कर रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। हमारे साथ एक फोटोग्राफर हैं जो दो कैमरे लगाए हुए हैं और एल्बम भी लगाए हुए हैं। बताइए सर, आपका नाम क्या है? जीत कुमार। जीत जी, कितने दिन से आप यहाँ पे, कितने साल से? अरे एक महीना से हम बना रहे हैं फोटो। अच्छा, फोटोग्राफी वगैरह पहले आप कैसे सीखे हैं कि नेचुरल पहले से देखते हुए दूसरे किसी को? नहीं, दूसरा कोई क्या है, मैंने सीखा है। हमारे साथ तो भेलपूरी बेचने वाले भैया भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये पूरा सजाए हुए हैं। देखिए पूरा टीला और प्याज नींबू वगैरह लगा, टमाटर एक ही क्यों दिख रहा है, महंगा हो गया है? हाँ महंगा हो गया था अभी, और इस समय लास्ट समय एक ही बचा है। अच्छा, हमको लगा महंगाई का दौर इतना है कि अब उतना में अर्जेंट, लेकिन प्याज आपका दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, लास्ट समय है। तो कैसे ये प्याज और टमाटर कैसे अरेंज कर रहे हैं? कोरोना के वक्त में लोग बाहर का भी चीज़ अब लेना बंद कर दिए हैं लगभग, तो पहले से प्रभावित हुआ है कि नहीं आपका? पहले से बहुत प्रभावित है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो कैसे ये सब अरेंज हो रहा है? बस किसी तरह से चल रहा है। चलिए, अब महादेव माता जी का कृपा बना रहे। हाँ। साथ एक आइसक्रीम वाले भैया हैं। भैया आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। आप यहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? बगहा से जानते हैं। बगहा से जी। कितने साल से यहाँ आइसक्रीम बेचने आते हैं? दो तीन साल से। दो साल? दो साल से जी। तो दो साल इसके पहले भी यही काम करते थे दूसरे जगह? यहीं पे काम यही करते हैं। अच्छा, तो ये दूसरे जगह से उठाते हैं फिर यहाँ पे बेचने आते हैं। तो पहले की डिमांड में आपकी डिमांड में क्या फर्क दिख रहा है? फर्क यही है कि पिछले साल यही नवरात्रि का वक्त जो था, पिछले साल बहुत भीड़ भड़का था, शोर था, इस समय शोर नहीं है, यही तो आपका कम हो गया है, आमदनी कम हो गया। तो मतलब आपका पहले एक बार परचेज करते होंगे, दिन भर में खत्म हो जाता होगा। आपका लिया हुआ कितने दिन चल जा रहा है? अब यही मान लीजिए कि आज भर रहे हैं तो आज बेच रहे हैं, कल बेच रहे हैं, दो रोज तीन रोज में बिक्री हो रहा है। देखिए काफी ज्यादा, मतलब आधे से भी ज्यादा। पहले क्या, एक बार भरते थे वो शाम तक खाली हो जाता था, लेकिन अब आज बेच रहे हैं, कल बेच रहे हैं, हो सकता है परसों भी बेचे वही चीज़ें। तो हिस्से में आने के बाद भी इन लोगों से अगर हम बात नहीं करते तो एक ऐसा सेगमेंट हम छोड़ देते जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता। हमारा उद्देश्य सिर्फ मंदिर को दर्शन कराना ही नहीं था, उसके साथ साथ इन पहलुओं को भी आपके सामने लेकर आना था। अब इनके लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा। आप देखिए कोरोना का जो पैंडेमिक है उसमें सावधानी बरतते हुए आप यहाँ पर आइए और जो यहाँ के लोकल वेंडर्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना इन लोग को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शक्तिपीठ है बाबू, आई है माँ, जो आप मांगिएगा वो माँ। शक्तिपीठ है कि सिद्धपीठ है? सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हम आए, यहाँ पर दर्शन किए, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुआ और यहाँ के लोगों से बात की और कुछ समस्याओं को भी जाना जिस पे काम होना ज़रूरी है। हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहें आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो संवाददाता लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो कुशीनगर समाचार को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।